वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। बिहार की कामयाबी मेरी सदन की बेबाक आवाज है जो हमें कामयाबी नसीब हुई। बिहार की कामयाबी मेरे सदन की बेबाक वो तरीका है जो उन वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डाल कर उनके मुंह में उनकी मुखालिफत करते हैं उसकी कामयाबी हुई, जिसको ताकत बरसने का काम आपने इसलिए छोटे इलेक्शनों में किया। हमें ईमानदारी से ज्यादाकारी से आपकी खिदमत करने की कोशिश की। हाँ, मैं भी बशर इंसान हूं, मुझमें भी गलतियां हो सकती है, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, मगर हमने पूरे तौर पर एक आपके साथ जुस्तजू से चलते हुए काम करने की कोशिश की और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पहली तारीख के दिन जब इलेक्शन है तो आप आपके दुआओं से और वोटों से हमें नवाजेंगे। अरे आप बताइए, आपके वोटों की ताकत का क्या नतीजा निकला? क्या आपने ये सोचकर वोट डाला था कि ये हम अपन दे दें जवाब के नाम पे हमारे काम हो या ना हो, हम आपके तौर पे उतरने की भरपूर कोशिश किए। अरे जब लॉकडाउन में लोगों पे आफत आ रही थी, मजलूमों को सताया जा रहा था, पुलिस के महकमे से हमें तकलीफ दी जा रही थी, क्या वो वाकया आपके सामने नहीं है जो मासर टैंक चौरस्ते पे रमजान के वक्त एक मेरी बहन रोजे की उसके भाई हालत में था, डायलिसिस कराकर अपने घर को वापस जा रही थी, पुलिस वालों ने उसे रोका, उसे फुटपाथ पर बिठा दिया, उसके भाई को हरासान किया गया, उसके गाड़ी को छीन ली गई और उसको उसका रोजा उस फुटपाथ पे खोलना पड़ा। अरे मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कांग्रेस का कोई शायर जाकर उसकी बेबाक नुमाइंदगी किया? क्या कोई टीआरएस का शायर जाकर उस मजलूम के आंसू पोछा? वो आपकी ताकत आपके वोटों का सदका था जो माजिद हुसैन को मिला, जिसने सदर के हुक्म पर वहां पर जाकर उस पुलिस वाले को उसकी औकात दिखाई, उसको बताया कि तेरी औकात एक पब्लिक सर्वेंट की है, हमारे खिदमत करने की है, हमें सताने की नहीं है, और वहां से उनको भेजा गया। क्या ये क्या रवा नहीं है? क्या ये आपके वोटों का हक नहीं है? क्या हमारी खिदमत गुजारी हम आपने हमने क्या आपके वोटों का हक अदा नहीं किया? अरे जब वही लाइट वाले का मोरादनगर में घुसते हैं, क्या मजा ले उनकी? खुदा के खुदा का खासा एक दो घर में घुसते हैं, दूसरे घर से पहले हमारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं, भागना पड़ता है। क्या ये हमारा वोट की आपकी हक अदाई नहीं है? आज मुरादनगर में ठहर के सवाल करता हूँ, पिछले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को और दौलत से नवाजे, ये 5-6 गलियों में कितने नहीं कंस्ट्रक्शन के काम हुए, एक बात तो बता दिए जहाँ पे टाउन प्लानिंग वालों ने आकर उनको हरासान किया, उनसे पैसे वसूलने की काम की, जरूरत नहीं है मजीद बच्चा फलके में घुसने की टाउन प्लानिंग को और आपको सताने की, क्योंकि अगर आपको सताएंगे तो वही पे माजिद हुसैन पहुंचेगा और अपना जूता निकाल कर उनके मुंह पे मारेगा। ईमानदारी से आपकी खिदमत गुजारी की, हमने ज़ियारत से ना हिम्मत है इस कदम रखने की, ना अगले 5 साल में चाहे कितनी भी बड़ी तामीर हो, जब तक अड़ोस पड़ोस की खुशी है मगर बल्दिया की वो जुलत नहीं, वो हैसियत नहीं जो मेहंदीपट्टनम हल्के में आकर आपको हरासान कर सके। वादा करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ये जरूरत नहीं, ये हैसियत नहीं आपको आगे हरासान कर सके, उनको रोकना हमारा काम है, ये हमारी गुजारी आपके लिए होगी। और बाप से अगर ये गुजारिश करता हूँ कि हमने दिल से आपके लिए काम किया और आज आपकी दुआओं का नतीजा है। बेशक मैं मेहंदीपट्टनम हल्के का उम्मीदवार हूँ, मगर आज जाफर से मेरा साहब ने आज सर मालूम करिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहिए बोले
शुक्रिया। सलाम अलैकुम।